अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आ चुकी हूँ बुर्जल हदाया में थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ लेकर चलते हैं। तो चलिए क्या क्या चीज़ें मैं लेती हूँ सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करें, तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। तो जी पहले ही मैं आ चुकी हूँ किचन के लिए कुछ सामान लेने। मुझे यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन की ज़रूरत थी तो मैं यही चेक कर रही थी। और कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो डे टू डे शॉपिंग की थी, तो वहाँ पर मुझे कुछ भाई बहन ने कमेंट किया था कि मैं इसके साथ प्राइस भी बताऊँ, मतलब जब भी मैं कुछ सामान लूँ तो उसके साथ प्राइस भी बताऊँ। तो यहाँ पर मैं एक एक करके प्राइस भी बताऊँगी। तो अभी जो मैं चाय की ग्लास चेक कर रही हूँ, इसका प्राइस था 4 दिरहम और ये बहुत ही खूबसूरत था, पूरा मिट्टी का था, ऊपर बस कलर लगाया हुआ था। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टोकरी दिखाती हूँ फ्रूट रखने के लिए, ऐसे ही आप डेकोरेशन के लिए ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये। इसका प्राइस था 7 दिरहम। और ये सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पर जो सारी चीज़ें रखी हुई है ना, ये किचन के लिए ही है। और ये एक था कॉम्बो, इसका प्राइस था 15 दिरहम, मतलब दोनों मिला के 15 दिरहम। इसका कलर भी बहुत अच्छा था। और ये जो है नमक ब्लैक पेपर रखने के लिए, इसका भी प्राइस ऐसे ही 1-2 दिरहम करके था, मतलब जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ही उसका प्राइस भी होगा। जैसे कि ये देख सकते हैं ये 3.5 दिरहम का था और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पूरा ऊपर का जो कवर था ये स्टील का था और इसका और एक कलर भी है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये रेड कलर का, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे ही खूबसूरत चीज़ों की ख्वाहिश होती है हर लड़की की कि हमारे भी किचन में ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें रहें। और फिर मैं यहाँ पर सब कुछ देख के चली गई थी चाकू के सेक्शन में, और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाती हूँ कितने टाइप के चाकू है यहाँ पर। और मैं सब कुछ देख रही थी यार, इतने भारी थे ये, क्या बताऊँ। तो ये जो पूरा सेक्शन था, यहाँ पर आपको गोश्त वगैरह कीमा करने के लिए मशीन जो होती है, फिर चाकू, सब कुछ इस सेक्शन पे ही मिल जाता है। और मुझे दुबई की, मतलब दुबई मार्केट्स की एक बात बहुत ही अच्छी लगती है कि यहाँ पर हर चीज़ सेटअप करके रखा हुआ होता है और आपको किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं होती, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम वो सब देख के यहाँ पर आ गए थे साबुन लेने। और ये जो साबुन देख रहे हैं ना, इसकी खुशबू जो होती है रियल होती है, और ये मैंने बचपन में यूज़ किया था, ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने यहाँ पर कुछ साबुन भी ले लिए हैं, तो मैंने सोचा ऐसे ही एक एक करके ना लेके ये जो एक पूरा डिब्बा है ये ले लेते हैं। फिर हम आ गए थे यहाँ पर कुछ लेडीज़ बैग देखने, मुझे एक बैग की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक करके बैग दिखाती हूँ, कितनी खूबसूरत है ज़रा चेक करें। We'll be right back.
तो जी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम पूरा मॉल घूम फिर के फिर से क्यों चाकू के सेक्शन में आ चुके हैं। तो मसला ये हुआ है कि हम थोड़ी देर पहले जहाँ पर वीडियो बना रहे थे वो बस कीमा वगैरह करने के लिए चपातीस रखे हुए थे, वहाँ पर चाकू नहीं थे। तो हमने पूरा मॉल घूम लिया, फिर हमें जाके यहाँ पर नज़र आए कि चाकू यहीं पर रखे हुए हैं और मुझे ज़रूरत चाकू की ही थी। तो फिर हम आ चुके हैं यहाँ पर देखने, और यहाँ पर आपको तरह तरह के चाकू मिल जाएंगे, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और ये सब जो प्राइस है ना इसका, ऐसे ही 7 दिरहम या 8 दिरहम या 10 दिरहम या 20 दिरहम 30 दिरहम, आपको जो जितनी अच्छी क्वालिटी चाहिए हो आपको सारे मिल जाएंगे। तो हम यहाँ से पहले चाकू वगैरह ले लेते हैं, एक हमें कैंची की भी ज़रूरत थी तो ये भी देख रहे थे, तो आगे ये सामान ले लेते हैं फिर आप लोगों को बाकी दिखाते हैं। तो जी बुर्जल हदाया से हमें जो चीज़ें लेनी थी वो हमने ले लिया है, अभी हम जा रहे हैं जी डे टू डे में, और डे टू डे इसी के पास में ही है। मैंने इसकी वीडियो तो अपलोड कर रखी है लेकिन डे टू डे में बहुत सारी ऐसी न्यू चीज़ें आई है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, और हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी थी तो इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। तो ये देखिए रमज़ान की जो सारी चीज़ें हैं वो भी आ चुकी है, और आगे जाके आप लोगों को और भी दिखाते हैं। और दुबई से ना हमारे एक दो भाई कलकत्ता जा रहे हैं तो उनको भी कुछ सामान देना है, भेजना है तो अपने गाँव में, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए घड़ी वगैरह देखने के लिए। तो आप लोगों को भी साथ दिखाते हैं। तो यहाँ पर ना सारे किस्म के वॉच हैं, जैसे कि जेंट्स वॉच के साथ साथ लेडीज़ वॉच भी रखी हुई है, तो मुझे यहाँ से एक लेनी थी। और इसका जो प्राइस है ना ये 10-11 दिरहम करके ही है, और यहाँ पर अच्छी अच्छी मिल जाती है यार, मतलब हमारे गांव में भेजने के लिए अच्छा ही होता है। तो फिर हमने एक वॉच भी ले लिया है, और यहाँ पर आ गए हैं हम मतलब रूम फ्रेशनर लेने के लिए, कुछ खुशबू लेंगे आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो मैंने एक लिया भी है जो मैं घर में जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, और ये चलती है ऐसे तकरीबन 2 महीना तो चल ही जाता है, और ऊपर जो ये धूप की तरह रखा हुआ है ना आप लोग देख सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा होता है, और ये घर में आप स्प्रे वगैरह करने के लिए भी ले सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को घूम के और भी दिखाते हैं। तो जी हमने वहाँ से रूम फ्रेशनर भी ले लिया है, अब हम बखूर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं बखूर कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, और ये बहुत ही अच्छी होती है यार, कोयले में ये बस 2 डाल देना और घर में बहुत ज़्यादा खुशबू फैल जाती है, बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा हमें पसंद आता है और कौन सी खुशबू अच्छी होती है, तो फिर आगे जाके आप लोगों को दिखाते हैं। Thank you.
तो जी इसी सेक्शन में सब कुछ रखा हुआ था, तो हमने सोचा पहले यहाँ से ही सब कुछ ले लेते हैं फिर आगे जाएंगे। तो हमें एक इतर की भी ज़रूरत थी जो हमें भेजना है, तो मेरे हस्बैंड बखूर चेक कर रहे थे तो मैं यहाँ पर इतर देख रही थी। मुझे इतनी मतलब खुशबू जो होती है ना इसकी इतनी समझ नहीं है, मतलब खुशबू तो हम नहीं लगाते ना, तो लड़के लोग ही लगाते हैं तो उनको ही इन सब चीज़ों का इल्म होता है। तो मैं यहाँ पर सब एक एक करके दिखा रही थी, बस इन चीज़ों का डिब्बा जो है ना ये चेक करें ज़रा, मतलब क्या बताऊँ बहुत ही अच्छी अच्छी होती है ये गिफ्ट वगैरह भेजने के लिए, बहुत ही शानदार चीज़ें हैं। तो जी हमें जो गांव के लिए सामान लेना था वो हमने ले लिया है, मतलब इतर वगैरह और घर के लिए भी ले लिया है। और वीडियो को माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि यहीं पर एंड करना पड़ा था, इसलिए कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक में इसकी ही वीडियो लेके आऊँगी न्यू आइटम्स की।